नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 9 नवंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कैबिनेट की बैठक में कुल 40 एजेंडों पर लगी मुहर। तेजस्वी यादव ने मरीन ड्राइव को लेकर दिया निर्देश। इंटर व मैट्रिक परीक्षा में प्राथमिक स्कूल के शिक्षक प्राचार्य नहीं होंगे केंद्राधीक्षक। बिहार आकर नितिन गडकरी कई सड़क व पुल प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। रोहित के फॉर्म को लेकर सुनील गावस्कर ने जाहिर की अपनी चिंता। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु के लिए जारी किया भर्ती अधिसूचना। इंडियन एयरफोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत अग्निवीर वायु के पद पर भर्ती के लिए अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट से ऑनलाइन आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को निर्धारित फिजिकल स्टैंडर्ड के साथ 10+2 या डिप्लोमा या वोकेशनल कोर्स पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की तारीख 23 नवंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट careerairforce.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। कैबिनेट की बैठक में कुल 40 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। कैबिनेट की बैठक में कुल 40 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 465 करोड़ 86 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति तथा 232 करोड़ 93 लाख रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई है। बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 8 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार के 11 सदर अस्पतालों में असिस्टेंट के 44 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार के 37 न्याय मंडलों में 37 ऑफिस इंचार्ज एवं 37 टेक्निकल असिस्टेंट सह कोऑर्डिनेटर समेत 74 अस्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर के प्रशासनिक कार्यों के लिए कुल 31 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही कुल 40 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। लौरिया नंदनगढ़ इस वजह से है बेहद खास। लौरिया नंदनगढ़ पश्चिम चंपारण जिले का एक छोटा सा शहर है जो कि इतिहास के कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। इस शहर का मुख्य आकर्षण खुदाई के दौरान मिला अशोक स्तंभ है, जो मौर्य काल के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ की ऊंचाई 32 फीट है, जिसके निर्माण हेतु बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही स्तंभ के शीर्ष पर एक गोलाकार अबेकस है जिस पर सिंह की मूर्ति खड़ी है। अशोक स्तंभ से 2 किलोमीटर की दूरी पर इसकी दक्षिण पश्चिम दिशा में एक टीला स्थित है, जिसे नंदनगढ़ कहा जाता है, जो कि एक विशाल स्तूप का अवशेष है। लौरिया नंदनगढ़ एक प्रमुख पर्यटक स्थल है और इसे देखने जरूर जाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने मरीन ड्राइव को लेकर दिया निर्देश। पटना का जेपी गंगा पथ यानी कि मरीन ड्राइव अब और भी खूबसूरत होने जा रहा है। बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बैठक कर फरमान जारी किया है कि जेपी गंगा पथ को अब 6 जोन में बांट दिया जाए। कल्चरल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशनल, सीनियर सिटीजन और किड्स जोन शामिल होंगे। मरीन ड्राइव के रूप में बिहार सरकार ने पटना वासियों को एक ऐसा रोड दिया है जहां वे सैर सपाटा कर सकें। यहां हमेशा लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती रहती है। वहीं यह भी संभावना बताई जा रही है कि अगले साल मार्च तक पीएमसीएच के गायघाट तक की सड़कें को जोड़ दिया जाएगा। पूरे प्रोजेक्ट को जून 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम तेजस्वी यादव के द्वारा दिए गए निर्देश की बात करें तो ये सारे कामों की भी शुरुआत जल्द करने की संभावना है। बिहार आकर नितिन गडकरी कई सड़क व पुल प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बक्सर में चल रहे धार्मिक आयोजन में शामिल होने 14 अक्टूबर को बिहार आ रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री इस दौरान बिहार में कई महत्वपूर्ण सड़क व पुल प्रोजेक्ट का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। वहीं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री यह चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शिलान्यास और उद्घाटन समारोह में मौजूद रहें। इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। बक्सर में नितिन गडकरी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को बिहार से जोड़ने वाली सड़क का शिलान्यास करेंगे। हाल ही में इस प्रोजेक्ट के लिए राशि की मंजूरी हुई है। इसके अतिरिक्त सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नवनिर्मित आरा बक्सर फोरलेन का उद्घाटन भी करेंगे। वैसे इस प्रोजेक्ट के तहत अभी आरा के कायम नगर के समीप बाईपास का निर्माण शेष है।
ईडब्ल्यूएस आरक्षण का नीतीश कुमार ने किया स्वागत। बिहार के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ईडब्ल्यूएस के पक्ष में लिए गए फैसले का स्वागत किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आरक्षण के 50% वाले दायरे को भी बढ़ा देना चाहिए। बताते चले कि बीते दिन मंगलवार को मीडिया से बातचीत करने के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिए जाने वाले 10% आरक्षण तो पहले से थे ही, लेकिन अब एक बार जाति आधारित जनगणना होना भी जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ओबीसी और ईबीसी वाले को उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण नहीं दिया जाता, इसलिए जब वो 10% तो हो गया है तो अच्छा है, लेकिन अब 50% से अधिक का दायरा होना चाहिए। बताते चले कि ईडब्ल्यूएस अपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। भाजपा सांसद सुशील मोदी ने इस बात पर राजद को निशाने पर ले लिया है और कहा है कि भला अब वो किस मुंह से स्वर्णों को वोट मांगने जाएंगे। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज अपना 33वां जन्मदिन मना रहे हैं। तेजस्वी यादव को महज 26 साल की उम्र में बिहार का उप मुख्यमंत्री बनने का श्रेय मिल चुका है। वर्तमान में भी वो महागठबंधन की सरकार में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एवं राबड़ी देवी के पुत्र हैं। तेजस्वी यादव राजनीति में आने से पहले क्रिकेट में भी अपना करियर बनाने की कोशिश की थी। तेजस्वी यादव ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 7 मैच खेले हैं, इसमें 1 रणजी, 2 लिस्ट ए मैच और 3 T20 मैच शामिल है। अपने करियर में तेजस्वी यादव ने कुल मिलाकर 37 रन बनाए और 1 विकेट लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वह दिल्ली की अंडर 17 और अंडर 19 क्रिकेट टीम में विराट कोहली के साथ भी खेल चुके हैं। बिहार में हर साल बढ़ रहा है बिजली खपत का आंकड़ा। बिहार में बिजली खपत का आंकड़ा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की ओर से किए गए विद्युत सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि आने वाले समय में राज्य में प्रतिवर्ष बिजली खपत में औसतन 600 मेगावाट की वृद्धि होगी, जिसके बाद अगले वर्ष प्रदेश में बिजली की खपत 9000 मेगावाट पार कर जाएगी। साल 2005 में बिहार में मात्र 700 मेगावाट बिजली की आपूर्ति होती थी। 2013 में 3 अक्टूबर को 2231 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जाती थी। साल 2014 में 21 अक्टूबर को 2831 मेगावाट तो 2015 में 2 अक्टूबर को 3459 मेगावाट बिजली आपूर्ति हुई है। वहीं 16 जुलाई 2021 को 6727 मेगावाट तो इस वर्ष 2022 में अगस्त 2022 को अधिकतम 6738 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हुई है। मौजूदा खपत को देखते हुए अनुमान है कि इस साल के अंत तक 7400 मेगावाट का आंकड़ा पार कर जाएगा। नीतीश सरकार के खिलाफ शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। शिक्षक बहाली की मांग को लेकर 7वां चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली से जुड़े राज्य के अलग अलग जिलों में से आए अभ्यर्थियों ने पटना में अर्धनग्न प्रदर्शन किया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने अपने कपड़े उतारकर जमकर नारेबाजी की। दरअसल 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और वह पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके थे, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और एक बार फिर अभ्यर्थियों को प्रदर्शन करना पड़ा। अभ्यर्थियों ने कहा कि राज्य के विद्यालय में हजारों पद रिक्त हैं। सरकार बार बार कह रही है कि जल्द ही इन रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी, पर अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। वहीं हम अभ्यर्थी बहाली नहीं होने पर आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, फिर भी सरकार अपनी मांगों को पूरी नहीं कर रही है, जिसके बाद हमें परेशान होकर अर्धनग्न प्रदर्शन करना पड़ा। बिहार के 1800 स्वास्थ्य केंद्र हो सकते हैं बंद। बीते दिन मंगलवार को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा 1800 स्वास्थ्य केंद्रों को बंद करने के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है। यह नोटिस इसलिए जारी किया जा रहा है क्योंकि ये सभी स्वास्थ्य केंद्र जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान के लिए निर्धारित मापदंडों का पालन करने में विफल रहे हैं। फिलहाल राज्य के 6 जिलों में इन केंद्रों को निपटान के लिए निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी गई है और बंद करने का प्रस्तावित निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही बोर्ड के द्वारा बिजली वितरण कंपनियों से अनुरोध किया जाएगा कि वो इन स्वास्थ्य की इकाइयों को ऐसी परिस्थिति में बिजली आपूर्ति बंद कर दें। यह कदम बोर्ड को मजबूरी में उठाना पड़ा है क्योंकि इतनी बार याद दिलाने के बावजूद चिकित्सा केंद्रों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि राज्य में मौजूद सभी चिकित्सा प्रतिष्ठानों को जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का पालन करना आवश्यक है। बिहार का यह जिला है देश का सबसे प्रदूषित शहर। सर्दी का मौसम आने के साथ ही शहरों के प्रदूषण के स्तर भी बढ़ने लगे हैं। एक और जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का हाल बुरा है, दूसरी ओर बिहार भी इससे अछूता नहीं है। दरअसल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बताया गया है कि सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में बिहार का कटिहार जिला पहले नंबर पर है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली वायु प्रदूषण के मामले में दूसरे स्थान पर है। वहीं बिहार के बेगूसराय में AQI 339 पर पहुंच गया है।
इंटर और मैट्रिक परीक्षा में प्राथमिक स्कूल के शिक्षक प्राचार्य नहीं होंगे केंद्राधीक्षक। बिहार बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा कार्यालय को पत्र जारी कर यह कहा है कि इस बार इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 में केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल के प्राचार्य ही केंद्राधीक्षक होंगे। वहीं अगर पहले की बात की जाए तो पहले केंद्राधीक्षक के रूप में परीक्षा केंद्र पर प्राथमिक स्कूल के शिक्षक या प्राचार्य को रखा जाता था। बोर्ड के कहे अनुसार इंटर और मैट्रिक परीक्षा में वीक्षक के रूप में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल के प्राचार्य की कमी होने पर प्राथमिक स्कूल के शिक्षक या प्राचार्य को केंद्राधीक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया जाता था और इस बात की जानकारी बोर्ड को बाद में दी जाती थी, लेकिन इस बार इसी बात को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के द्वारा पहले ही डीईओ को निर्देश दे दिया गया है कि केंद्राधीक्षक केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल के प्राचार्य को ही बनाया जाए। बिहार में जल्द शुरू होगी ठंड, तापमान में हो रही लगातार गिरावट। बिहार में बदलते मौसम के चलते ही राज्य में जल्द ही ठंड शुरू होने के आसार हैं। इस बीच राज्य में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट आने की संभावना बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने ताज़ा अपडेट जारी किया है जिसके अनुसार राज्य में जल्द ही कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। लगातार तापमान में गिरावट हो रही है, हालांकि अधिकतम तापमान में ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 13 नवम्बर से तापमान में अचानक से लगातार गिरावट होने की संभावना है। बिहार स्टेट बैडमिंटन चैंपियन बने राज आर्यन। गया के इंडोर स्टेडियम में बिहार राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित 4 दिवसीय अंडर 17 बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। बता दें कि यह आयोजन 2 से 6 नवंबर तक किया गया था। वहां नवादा जिला के रहने वाले राज आर्यन ने डबल्स मैच में पटना के कार्तिक के साथ समस्तीपुर के हर्ष राज और ऋषभ राज को 21-16 21-15 से हराकर बिहार विजेता का खिताब अपने नाम कर लिया है, जिसके बाद उन्हें सूबे के कृषि मंत्री और बोधगया से विधायक कुमार सर्वजीत, मगध प्रमंडल आयुक्त मयंक के द्वारा शील्ड मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। राज आर्यन की इस जीत के बाद पूरे नवादा में खुशियों की लहर दौड़ गई है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। बता दें कि राज आर्यन ने 14 साल की उम्र में ही बैडमिंटन खेल में अपना परचम लहरा दिया है और नवादा का नाम रोशन कर दिया है। सीएम नीतीश ने किया बिना पिलर वाले दरबार हॉल का उद्घाटन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पटना साहिब गुरुद्वारा में गुरु पर्व समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने पटना साहिब में एशिया के सबसे बड़े बिना पिलर वाले दरबार हॉल का उद्घाटन किया। इस दरबार हॉल का खासियत यह है कि यह हॉल 22,400 स्क्वायर फिट का है। इसकी गुंबद को इतना आकर्षक बनाया गया है कि लोगों की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। लाखों की लागत से बने इस दरबार हॉल की एक और खासियत है कि गुंबद के नीचे आवाज इस तरह से निकलता है जैसे कोई बड़ा साउंड सिस्टम लगा हो। आरजेडी ने की देश में जाति आधारित जनगणना की मांग। ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए फैसले के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इसके बाद अब देश में तुरंत जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। जाति आधारित जनगणना देश में सकारात्मक कार्रवाई का सही बनेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने के लिए तैयार है, लेकिन वे जातिगत जनगणना कराने को तैयार नहीं है। जो भी राजनीतिक दल संविधान की मूल भावना का सम्मान करता है वो मानेगा कि जातिगत जनगणना किसी तरह का बदलाव के लिए कितना जरूरी है। हम चाहते हैं कि सही जनगणना हो ताकि यह पता चल सके कि कौन से परिवार की क्या दशा है। मांझी की मांग, श्री कृष्ण सिंह सहित दशरथ मांझी और कर्पूरी ठाकुर को मिले भारत रत्न। राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन की अध्यक्षता में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की जा रही है। बैठक में देश भर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हो रहे हैं। वहीं इस बैठक में शामिल होने पहुंचे पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने दशरथ मांझी, श्री कृष्ण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग पर चर्चा करने की बात कही है, जिसके बाद एक राय बनाकर केंद्र सरकार से इसकी मांग की जाएगी। बिहार में विवस्थगित पर्चा, सीलिंग जमीन, बिहार सरकार की जमीन और भूदान की जमीन की समस्या, स्तर पर न्यायालय का निर्माण, पार्टी के सदस्य अभियान एवं सम्मेलन को लेकर चर्चा, अन्य विषयों पर भी चर्चा की जा रही है। सम्राट चौधरी का ऐलान, 11 नवंबर को पूरे कटिहार में करेंगे चक्का जाम। बिहार के कटिहार जिले में दिन दहाड़े बीजेपी नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य संजीव मिश्रा का मर्डर कर दिया गया, जिसके बाद इस मामले पर बिहार की सियासत गर्म होती दिख रही है। भाजपा नेता के मर्डर को लेकर बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने बीते दिन कहा कि यह क्रूरतापूर्ण है, इस तरह से हत्या अफगानिस्तान में होती है, हिंदुस्तान में नहीं। सम्राट चौधरी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार सरकार में गुंडे लोग आ गए हैं, स्थिति चरमरा गई है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं रह गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, अब गवर्नमेंट में रूल ऑफ लॉ नहीं बचा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि 48 घंटे के अंदर अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 11 नवंबर को पूरे कटिहार में चक्का जाम करेंगे।
बिहार की सड़कों को लेकर सीएम नीतीश पर बरसे प्रशांत किशोर। बिहार की सड़कों को लेकर सीएम नीतीश पर बरसे प्रशांत किशोर। चुनावी रणनीतिकार के रूप में चर्चित प्रशांत किशोर ने अपनी जन स्वराज पद यात्रा के दौरान बिहार की सड़कों को लेकर सीएम नीतीश कुमार को जमकर साधा है। उन्होंने पश्चिमी चंपारण के बैरिया प्रखंड के तड़वानंदपुर के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में मौजूदा ग्रामीण सड़कों की स्थिति लालू यादव के जंगल राज जैसी है। उन्होंने अपने पद यात्रा का अनुभव करते हुए बताया कि हमने देखा कि बिहार के सड़कों की हालत कैसी है। बिहार में अच्छी पार्टी के न होने की वजह से लोग उसे वोट नहीं कर पाते जिसे वो करना चाहते हैं, बल्कि लोग दूसरी पार्टी को हराने के लिए वोट करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को बालू और गिट्टी की उपलब्धता नहीं होने की वजह से सरकार से मिली किश्त की सारी रकम खुद ही देनी पड़ती है। फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल हुई ये तीन भारतीय महिला। फोर्ब्स के नवंबर अंक में छपे 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में तीन भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हुई अनिश्चितता के बीच अपने कारोबार को बढ़ाने में बड़ी कामयाबी हासिल करने वाली फोर्ब्स के लिस्ट में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की चेयरपर्सन सोमा मंडल, एम क्योर फार्मा की कार्यकारी निदेशक नमिता थापड़ और होनासा कंज्यूमर की को फाउंडर गजल अलग के नाम शामिल हैं। सूची में शामिल अन्य महिलाएं ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान और थाईलैंड से हैं। रोहित के फॉर्म को लेकर सुनील गावस्कर ने जाहिर की अपनी चिंता। भारतीय क्रिकेट टीम आगामी गुरुवार 10 नवंबर को T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप में अभी तक खेले गए मैचों में विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, हर्षदीप सिंह जैसे खिलाड़ियों के अच्छे फॉर्म से भारतीय टीम ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि टीम इंडिया के लिए कप्तान रोहित शर्मा का फॉर्म चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने रोहित के फॉर्म को लेकर चिंता जाहिर की है। सुनील गावस्कर ने कहा कि रोहित की खराब फॉर्म की वजह से अन्य खिलाड़ियों पर दबाव बन रहा है। इस नॉकआउट मुकाबले में रोहित की फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण होगी। उम्मीद करते हैं कि वह अगले दो मैचों में रन बनाए। वह बड़े गेम के प्लेयर हैं। अब ये नॉकआउट गेम है। नॉकआउट गेम में आप बहुत अधिक प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। आशा करते हैं कि रोहित अच्छा खेले। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। प्रसिद्ध पत्रकार, राष्ट्रीय कार्यकर्ता और भारतीय के समर्थक इंद्र विद्या वाचस्पति का जन्म 1889 में हुआ। भारत के सुप्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी पंचानन माहेश्वरी का जन्म 1904 में हुआ। जाने माने भारतीय कवि, लेखक, भाषाविद, संविधान विशेषज्ञ और प्रसिद्ध न्यायविद लक्ष्मी मल सिंह वे का जन्म 1931 में हुआ। धूमिल प्रसिद्ध हिंदी कवि सुदामा पांडे का जन्म 1936 में हुआ। फिल्म अभिनेत्री पायल रोहतगी का जन्म 1980 में हुआ। संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित गंगानाथ झा का 1941 में निधन हुआ। भारत का सबसे बड़ा समाज सुधारक और उद्धारक धोंडो केशव कड़वे का निधन 1962 में हुआ। प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित शंभू महाराजा का निधन 1970 में हुआ। 1970 में ही मौजूदा फ्रांसीसी गणराज्य के जनक फ्रेंच राजनेता चार्ल्स डी गॉल की मृत्यु हुई। स्वाधीनता सेनानी पूरन चंद्र जोशी का 1980 में निधन हुआ। भारत के राष्ट्रपति के आर नारायणन का 2005 में निधन हुआ। भारतीय जैव रसायनज्ञ, शरीर विज्ञान के क्षेत्र में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार में सम्मानित हरगोविंद खुराना का निधन 2011 में हुआ। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार विजयदान देथा का निधन 2013 में हुआ। वायरल खबर में आज बात होगी DGHRD द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे वायरल हो रहे नियुक्ति पत्र के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि DGHRD के कथित हस्ताक्षर के साथ एक नियुक्ति पत्र सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। PIB ने आगे लिखा है कि यह चिट्ठी फेक है। DGHRD CBIC द्वारा ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। नियुक्ति पत्र मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, न कि DGHRD CBIC के द्वारा। व्हाट्सएप पर ऐसे भेजें अपना ब्लर फोटो। व्हाट्सएप यूजर्स को सिर्फ मैसेज भेजने और पाने की सुविधा ही नहीं देता, बल्कि मैसेज में भेजे जाने वाले मीडिया को बेहतर बनाने के लिए एडिटिंग टूल भी देता है। इस टूल में यूजर्स के पास किसी फोटो को क्रॉप करने, इमोजी जोड़ने, टेक्स्ट लिखने और इरेजर से फोटो को कुछ इरेज करने जैसे विकल्प तो मिलते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही एक इमेज ब्लर टूल भी मिलता है। आप सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में व्हाट्सएप को खोलें। इसके बाद आपको जिसको भी जो फोटो भेजनी है उसे भेजने के लिए व्हाट्सएप के जरिए शेयर करने के लिए शेयर बटन पर टैप करें। इसके बाद एडिटिंग टूल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ आपको ऊपर की तरफ चार विकल्प मिलेंगे। इनमें से आपने पेंसिल पर टैप करना है। फिर आपकी स्क्रीन पर नीचे की तरफ चार आइकन मिलेंगे। इनमें से सबसे आखिरी वाला ब्लर बटन है, इसे टैप करें। अब अपनी फ़ोटो में जो कुछ आपको ब्लर करना है उसे इरेजर की तरफ ब्लर करें। अंत में डन के विकल्प पर टैप कर फोटो भेज दें।
शेखपुरा में घुसखोर अधिकारी गिरफ्तार। निगरानी विभाग की टीम के द्वारा बिहार के शेखपुरा पंचायत भवन में छापेमारी कर बरबीघा के 2 सर्किल इंस्पेक्टर को 70,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। इन दोनों अधिकारियों का नाम इंस्पेक्टर संजीव कुमार और सोनी अमीन है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार पंचायत भवन कानूनगो और अमीन द्वारा कार्य किए जाने के लिए मोटी राशि वसूल करने का मामला सामने आ रहा था। इसी को लेकर निगरानी विभाग के पास शिकायत दर्ज कराई गई थी। वहीं पिछले दिन सर्वे के लिए रुपया लेने के विरोध में किसानों ने जिला स्तर पर आंदोलन भी किया था। बताते चले कि इससे पहले भी बीते दिन निगरानी विभाग के द्वारा पूर्णिया में छापेमारी की गई और वहां से मुफस्सिल पुलिस थाने में तैनात एसआई को गिरफ्तार किया गया था। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अखिलेश यादव, रंजीत कुमार, मनोज कुमार, भगवान दास, सुबोध कृष्ण, मुरारी यादव, मंगिता भारती, कुलदीप कुमार, राजीव कुमार, मुटू रंगीला, बाबूलाल मरांजी, हितेश कुमार, शिव शक्ति, रौनक सिंह, चंदन कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार श्री कृष्ण सिंह सहित दशरथ मांझी और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाने की जीतन राम मांझी द्वारा की गई मांग उचित है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।